स्वागत है तुनिशा। सुसाइड मामले में जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, पुलिस ने शिजान खान से 7 घंटे तक पूछताछ की है। इस दौरान शिजान ने बड़ा खुलासा किया है। शिजान ने बताया है कि उसने करियर की वजह से तुनिशा से ब्रेकअप किया। वाले पुलिस ने कैमरे के सामने शिजान से सवाल किए, जिसके जवाब में शिजान ने ये तमाम बातें कही है। सूत्रों के मुताबिक शिजान पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। उस दिन लंच पर दोपहर 3 बजे शिजान और तुनिशा की क्या बात हुई थी ये भी वो नहीं बता रहा है। लिहाजा वाले पुलिस आज शिजान की 4 दिन की रिमांड जो है और मांगेगी। शिजान की आज रिमांड खत्म होने वाली है शाम 3:30 से 4 बजे के करीब बताया जा रहा है। उसे कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो करने वाली है। मामले में अब तक 18 लोगों के बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो लगातार इसमें पूछताछ जो है वो हो रही है और शिजान लगातार अपने स्टेटमेंट जो है वो बदल रहा है। तुनिशा के घर से इस वक्त शिवानी मिश्रा हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुकी हैं पालघर नायगांव स्टूडियो से, के अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ है जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवानी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तुनिशा के घर के पास मौजूद है, देखिए तुनिशा के करीबियों से पूछताछ हो रही है। तुनिशा की माँ की हालत भी हमने देखी कि किस तरह से वो बिल्कुल बेहाल हो चुकी है और वो कह रही है कि बार बार शिजान को जो है वो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी तक कितने करीबियों से पूछताछ हुई है, क्या कुछ निकलकर बात सामने आई? फिलहाल 18 लोगों से पूरी जो पूछताछ हुई है उसमें से 14 लोग वो हैं जो कि मौका वारदात पर मौजूद थे, सेट पर मौजूद थे, जिन्होंने तुनिशा और शिजान के साथ आखिरी सीन की शूटिंग की थी, उस वक्त उसके साथ रहे, लंच ब्रेक तक शूटिंग के दौरान उसके साथ थे। अन्य 4 लोगों के स्टेटमेंट तब रिकॉर्ड हुए हैं जब शिजान ने 3 अलग अलग तरीकों का स्टेटमेंट दिया, पुलिस को यह जानकारी दी कि उनके रिलेशनशिप के बारे में किन करीबियों को, किन दोस्तों को, किन एक्टर्स को जानकारी थी, उन लोगों को फिर समन करके बुलाया गया। उनके स्टेटमेंट कल अलग अलग कमरों में उठाकर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसे शिजान के स्टेटमेंट को भी मिला जुला कर देखा गया है। हालांकि उसमें भी कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो पुलिस को देखने को मिले हैं। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस है वो आज अनुमान 4 दिन की और पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी वसई कोर्ट के समक्ष, जिससे कि आने वाले और वक्त में जो है इनको और समय मिले, क्योंकि अभी भी तुनिशा के परिवार में से सिर्फ उनके मामा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, माता जी का स्टेटमेंट अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुआ है, जो कि इस पूरे मामला में मेन कंप्लेनेंट है, जिन्होंने शिजान के खिलाफ ये बयान दिया था कि शिजान ने उसे उकसाया और ब्रेकअप करके डिप्रेशन में डाला, जिसके चलते तुनिशा की मौत हुई। तो कहा जा सकता है कि अगर पुलिस एक्स कर जिन लोगों ने अन्य स्टेटमेंट दिए हैं उसमें क्या नए खुलासे हुए हैं।